एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटेटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जानोगे जो कि हमीर खुसरो के बारे में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब कि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को ही मिलता है। तो ये मध्यकालीन भारत से संबंधित है हमीर खुसरो का टॉपिक। तो चलो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो हमीर खुसरो के। इसके साथ साथ इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म और कहाँ हुआ था, तो यूपी के बंदायू मतलब कि पटियाली में हुआ था। पटियाला मत याद करना, पटियाली में हुआ था। और इसे बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, क्योंकि ये आठ सुल्तानों के दरबारी थे। अब आठ सुल्तान कौन कौन थे जिनके दरबारी कवि थे, तो आपको पता होना चाहिए बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन काल में दरबारी कवि रह चुके हैं। तो बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में आठ सुल्तान जो कि शासक आए थे, ये सारे के दरबार में रहे हैं। तो किसके किसके रहे, तो बलबन के। बलबन के बाद कौन सा आया, तो कैकोबाद, शमसुद्दीन कैमूश। फिर गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर गयासुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो वहां तो वहां तक रहते। ये टॉपिक के बारे में आपको जानना जरूरी है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक तो आता ही आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो ने आरंभ किसका किया, तो सितार और तबला के साथ ही कबाली का गायन। यदि बोला जाए कबाली गायन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। तो चलो अपने वीडियो की शुरुआत करते हुए इन टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ, सबसे पहले अमीर खुसरो की जन्म की बात करते हैं, तो यूपी के बंदायू के पास पटियाली नामक जगह पे हुआ है। कहाँ पे हुआ, पटियाली में हुआ, यूपी का है और बंदायू के पास पटियाली। तो पटियाली याद करना, ऑप्शन में ज्यादातर यही रहता है, पटियाला या पटियाली। ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में आया था, वो भी मेंस में आया था। तो आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है, तो पटियाली में हुआ। कब हुआ है, तो 1253 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है, तो 1253 ईस्वी में। यदि इनका वास्तविक नाम पूछा जाए, वास्तविक नाम क्या था, तो मुहम्मद हसन था, जो कि बहुत कम को पता होगा इनका वास्तविक नाम क्या था, तो मुहम्मद हसन था। तो मुहम्मद हसन के नाम से जाने जाते हैं। ये कितनों के दरबार में रहे थे, तो मध्यकालीन भारत की मैंने पहले ही चर्चा कर रखी है। तो कब से कब तक इनका शासक, मतलब कि कौन कौन से मुगल कालीन शासक थे जिनके दरबार में कवि रह चुके हैं, तो ये बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन से आप लोग जान सकते हो, बलबन से शुरुआत करो, जैसा मैंने बताया बलबन। बलबन के बाद कौन, कैकोबाद के बाद शमसुद्दीन कैमूश। कैमूश के बाद कौन सा आएगा, खिलजी वंश आएगा, तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। यहाँ तक तो छह हो गए, फिर आ जाओ तुगलक वंश, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो टोटल आठ सुल्तानों के दरबार में कवि रह चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना होगा कि आठ सुल्तान के दरबारी कवि थे। फिर इसके साथ साथ उपनाम, इनके उपनाम क्या था, तो तूती ए हिंद मतलब कि भारत का तोता कहा जाता था किसे, तो अमीर खुसरो को। तो ये क्वेश्चन तो आपसे अनगिनत बार पूछा गया, चाहे वो हिंदी का पेपर हो तो हिंदी में भी पूछा जाता है। तो हाँ, ये मेंस में हिंदी के पेपर में भी पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जो खरी बोली के जन्मदाता है, मतलब खरी बोली के गायक है, और इसके साथ साथ ही इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो हिंदी वाले क्वेश्चन फर्स्ट पेपर वाले में ही था कि पटियाली में हुआ है या पटियाला में, तो आपको पता होना चाहिए था। तो यदि आपको पता होगा, आपने एग्जाम दिया होगा, तो पता होगा कि ये पटियाली में थे, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। वही शिष्य, ये किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये पॉइंट भी आपको जानना होगा कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आरंभ किस चीज का आरंभ किया था, तो सितार तबला के साथ साथ ही कव्वाली गायन। किस चीज का आरंभ किया था, तो कव्वाली गायन का आरंभ किया था। वही यह कवि थे, शायर थे, गायक थे, संगीतकार थे। बताओ अभी के एक स्टूडेंट को अपना पढ़ाई करना कितना मुश्किल लगता होगा। तो यहाँ पे समझ सकते हो अमीर खुसरो जो कि सितार और तबला के साथ साथ कव्वाली गायक तो गाते ही थे, इसके साथ साथ ये कवि थे, एक साथ कितने टैलेंट इसमें भरा हुआ था इनमें।
तो कवि थे, शायर थे, गायक थे, संगीतकार थे, ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते थे। ऊपर से आठ आठ शासक के दरबार में एक कवि रह चुके थे, तो समझ सकते हो कि अभी के जमाने में एक स्टूडेंट को एक एग्जाम की तैयारी करना कितना मुश्किल लग रहा है। और ये विद्वान, तो सही में ये एक विद्वान थे जो कि अमीर खुसरो थे, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। ऐसे ही उपाधियां नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत किया जाता है। तो आप लोग भी मेहनत करो और एक रिजल्ट लो, अपने सपनों को पूरा करो और जल्दी से पूरा करो, क्योंकि जितनी जल्दी पूरा करोगे उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। तो जरूरत से ज्यादा मेहनत करो, ना कि जितना मेहनत करना है, मतलब कि हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचो कि आज 2 घंटे पढ़ लिए तो कल 3 घंटे का टारगेट रखो, कल 3 घंटे, तो ऐसे ही घंटे अपने बढ़ाते चलो, तो एक ना एक दिन आप बहुत अच्छा करोगे। तो आज का टॉपिक हम लोग अब समाप्त करते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा कि अमीर खुसरो का कौन कौन सा पॉइंट आपको याद करना और ध्यान देना है। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में 1253 ईस्वी में पटियाली कहाँ है, तो यूपी के बंदायू नामक जगह पर है। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो मुहम्मद हसन था। क्या था, मुहम्मद हसन। ये कितनों के दरबार में रह चुके, तो 8 सुल्तानों के दरबार में रहे। कहाँ से कहाँ तक, तो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक के सारे शासक का नाम याद कर लो, तो 8। तो 8 सुल्तान का नाम याद करना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, मैं वहां पे डाल चुकी हूँ, तो वो सारे वीडियो आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि वो सारे वीडियो में अलग अलग शासक के नाम का अलग अलग वीडियो मैंने डाला है कि आपको आसानी से वो याद हो सके। वही इसका उपनाम इन्हें भारत का तोता कहा जाता था। किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आरंभ किसका किया था, तो सितार तबला के साथ साथ कव्वाली गायन के, इसके साथ साथ ये खरी बोली के गायक थे और ये कवि शायर गायक संगीतकार थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो कि अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ था। और यदि अभी तक आप लोगों ने हिस्ट्री का नोट्स नहीं लिया है, तो हिस्ट्री का नोट्स ले ले, इसके साथ साथ साइंस का भी नोट्स आ चुका है, तो आप साइंस का नोट्स भी ले सकते हो। और आप लोग को हिस्ट्री के नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बिहार दरोगा के मिलेगा, वो भी फ्री में मिलेगा बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जल्दी से नोट्स लो, अपना पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट करो, और अमीर खुसरो की तरह तो नहीं, लेकिन अपने साथ मतलब अपने समय में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कम से कम अपने सपने को पूरे करने की, एक उड़ान भरने की कोशिश करो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप सो आपका दिन अच्छा हो।